और ये काम हमने भी पहले करा है कि वो पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं पूरे ऑर्केस्ट्रा को, फिर बच्चे वहाँ जाते हैं लिप सिंक करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है. सो दैट इज़ वन ऑप्शन. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज लेट देम डू इट व्हेन दे आर 5 और व्हेन दे आर 6. गो बैक एंड से यू नो दिस डिडंट गो राइट, दैट डिडंट गो राइट. And hopefully by the time they grow up, they would know so much more about stage presence or how far away do you stay from the mic. So I hope that all of us parents are also on that same page. That let them attempt things in real, let the things go wrong in real time. And hopefully by the time they sing in college, they will do a better job of it. I welcome especially grandparents, dada dadi, nana nani, elder brother sisters, hello, hello, and there are some younger brother sisters also. You people have a very important responsibility. Do you know that? Okay, what is the responsibility? I raise your hands and tell me what's your responsibility. Yeah, come on, give it a attempt. There are no wrong answers. When you sit in the front, what are things that you need to watch out for? When your brothers, sisters come here, okay, yes, do you want to have time to? We should not interrupt them in between. That is a very, very good answer. Thank you very much for being the first person to answer. And how do we interrupt them? Okay, there is a boy right at the back. I can't see you, but I can see your hand. By raising your hands, by saying, oh, main yahan baitha hoon. Huh? So we don't do that. Even if they are looking towards you, then we will not actually wave back at them. Okay? Because they might not be able to see your parents, but you are sitting so much in front of the stage that they can certainly see you. Okay? So koi haath nahi hilayega. Achha, ek aur kaam karna hai. Ki jab mummy papa aapko camera deke jaye na, to lena nahi hai. आपको बोलना है मुझे तो लाइव देखना है. आपको कैमरे से देखना है तो आप देख लीजिए. तो वी हैव दीज द वीडियो हैपनिंग, देयर इज फोटोग्राफ हैपनिंग एज वेल. लाइक ऑलवेज द फोटोग्राफ विल कम टू यू एंड आई से दिस ऑफन. व्हेन यू हैव एन ऑप्शन सी इट लाइव, व्हाई सी इट थ्रू द स्क्रीन ऑफ अ फोन. ये बात तो पक्की है ना कि आप देखने तो सिर्फ अपना बच्चा ही आए हैं. इंतजार तो आपको सिर्फ उसी मोमेंट का है कि भाई मेरा बच्चा जब स्टेज पर आएगा तो तो ये बात तो कम से कम सच्ची है. सो बट कम ऑन, लेट्स सी दिस किड्स लाइव. सो नोइंग दैट यू आर एक्चुअली हेयर टू सी योर चाइल्ड एंड नॉट नेसेसरली लिसन टू मी, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कट व्हाट आई वांट टू से टुडे वेरी शॉर्ट. सो आई हैव टू डॉटर्स एंड द एल्डर वन इज जस्ट अबाउट मे बी अ ईयर यंगर टू योर चिल्ड्रन और मे बी द सेम एज, एंड द यंगर डॉटर इज ओनली 2.5. सो I'm an educator and I'm also a parent, so I have a double role. So जब भी वो बच्चे कुछ काम करते हैं तो मैं उसे दोनों तरफ से देखता हूँ. एज अ पेरेंट तो देखता ही हूँ, तो एज अ एजुकेटर भी देखता हूँ कि भाई इसकी क्या सिग्निफिकेंस है. तो लास्ट वीक मेरी एल्डर डॉटर ने हमारी नॉलेज में पहली बार झूठ बोला. वो टीवी देख रही थी, उससे पूछा गया तुम्हारे पास मम्मी की परमिशन है टीवी देखने के लिए? उसने बोला हाँ. उसके पास परमिशन नहीं थी. अब क्योंकि उसका झूठ पकड़ा गया इसलिए वो अगले 5 दिन टीवी नहीं देखेगी, बट दैट इज अनदर थिंग. बट हमारी नॉलेज में पहली बार उस बच्चे ने झूठ बोला. सो एज अ पेरेंट आई वॉज कंसर्न कि भाई ये तो झूठ बोलना सीखी है. एंड एज अ एजुकेटर आई रियलाइज दैट दिस इज अ माइलस्टोन दैट शी हैज क्रॉस्ड, बिकॉज वी रीड अबाउट दिस इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ. योर एबिलिटी टू ऑल्टर रियालिटी टू सूट योर ओन कन्वीनियंस इज अ माइलस्टोन. जिन पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चे बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, वो उतना ही सच है जैसे कि आप और मैं भी कभी नहीं बोलते. वी ऑल ह्यूमंस, राइट? एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑल्सो कम्स वेरी इंपॉर्टेंट विद स्कूल. द फैक्ट दैट योर चाइल्ड इज विद अस मीन्स दैट यू ट्रस्ट अस. कि आपके घर से जब बच्चा निकलता है आप उसे छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग छोड़ के जा पाते हैं, कुछ बस में भेजते हैं,
तो जब आप उस बच्चे को हमारे पास दे रहे हैं तो आप ये मान रहे हैं कि भाई ये बच्चा ना स्कूल में उतना ही सेफ है जितना ही घर में सेफ है, और एक्चुअली स्कूल में रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और ज़्यादा है। घर में तो हम अपने बच्चों को आधा घंटा छोड़ भी देते हैं कि ठीक है ये इस कमरे में खेल रहे हैं, हम दूसरे कमरे में काम कर रहे हैं, स्कूल में वो नहीं होता। स्कूल में इफ़ द टीचर इज़ लेट इवन बाय 5 मिनट और 2 मिनट इन द इंटरचेंज ऑफ द पीरियड, इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सो मच मोर। येट थिंग्स विल हैपन एट स्कूल। इन 14 ईयर्स चोट भी लगेगी, तबीयत भी खराब होगी, वो सारे काम होंगे जो घर पर हो सकते थे। एंड व्हेन दे हैपन आई वांट टू रीअश्योर यू वंस अगेन दैट हम कम से कम वो तो करेंगे जो आप घर पर करते हैं, बट क्योंकि हमारे पास में राइट्स आपसे कम हैं इसलिए प्रॉब्लम हम उससे ज्यादा करेंगे। ऐसा हो सकता है कि बच्चे को घर में 101 बुखार हो और हम उसे कैल्पोल दे दें और कि ठीक है शाम तक ठीक नहीं होगा तो डॉक्टर के पास में जाएंगे, बट ये चांस स्कूल नहीं लेगा। एंड ऑन दिस नोट, व्हेन वी मेक अ कॉल टू योर हाउस, प्लीज रिस्पॉन्ड नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग। इफ यू चेंज योर टेलीफोन नंबर, please let us know what you are doing, and I would say even before the telephone number is changed it should change on the child's ID card, because us telephone number ki zarurat kabhi bhi pad sakti hai, it's like insurance, it's like a seat belt, aap use pure zindagi bandhte rehte hain aur zarurat nahi padti, and then one moment that you need it if it is not there then there is a bigger trouble. So thank you for trusting us, and thank you also for understanding that we are as human as you are. I want to take you through the startup superstars and why we did this, but before that I want to also talk about the board exams. So there were a couple of parents who came and spoke to me about ki March mein ye chuttiyan kyon hongi, mere bacche ka to board exam nahi hai तो मेरे बच्चे की क्लास क्यों बंद करी गई। इफ वी कुड वी वुड नॉट बी अ बोर्ड एग्जाम सेंटर, वी वुड जस्ट नॉट बी अ बोर्ड एग्जाम सेंटर बिकॉज इट टेक्स अप गुड 1 month ऑफ आर टाइम, बट इट्स अ रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू द CBSE बोर्ड। जैसे हमारे बच्चे जाकर फॉर एग्जाम्पल उनका सेंटर KDB स्कूल में है तो वो KDB में एग्जाम दे रहे हैं, KDB के बच्चे कहीं और एग्जाम दे रहे होंगे, किसी और स्कूल के कहीं और एग्जाम दे रहे होंगे, तो व्हेन यू आर अ एस्टैब्लिश्ड CBSE स्कूल इट इज़ अ रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट CBSE स्कूल्स वुड हैव टू बिकम अ बोर्ड एग्जाम सेंटर। इट इज़ नॉट अ चॉइस, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इफ मोर पेरेंट्स हैड दिस क्वेश्चन, दिस इज द रीज़न why while your child will only give board exams twice in grade 10 and in grade 12, we will stay a board exam center for the duration of your child's career at school. Not only would we be a board exam center, we would also be a nodal center for these examination sheets to be checked. Is baar hum 8 different subjects ki sheets yahan school mein check kar rahe hain, where teachers from other schools would come and sit in possibly our library spaces or other common spaces and check these answer scripts. Now this is a responsibility that board only gives to very few schools, and these are those schools that are known for their good governance. That is work that we want to do, because every time our teachers go through those, they become head examiners, we see ke kis quality ka answer par full marks mil rahe hain aur kis par nahi mil rahe hain, so it adds to our experience. But when board gives a responsibility to us, it is not a choice, it is an obligation. Also, the school spends money, your money, conducting board exams. We don't make money
in conducting these board exams. So I know some more people had this query. Hopefully you would have found your answer. If you still don't have an answer, come and talk to me. Very quickly, I want to also share with you why we did Startup Superstars. All of your children participated in the exercise. Some might have felt that these children are again too young for this. But try trading a chocolate from a five-year-old, and it would be a very expensive trade. If the chocolate is his, and if you want it, you will need to give a bigger chocolate in return. They understand already the concept of trade. Aapko usse khana khilana hai, uska favorite cartoon television par hai. There is trade. The reason why we wanted to use this to teach them many things was because there are things you can teach through a book, and then there are many things that you need to teach these children, or things that these children need to learn, but you can't teach them through a book. And increasingly, in the world that they're growing up in, they will need these skills more than any other skill. So if I can simplify, inko mark sheet to chahiye yogi, in ek skill sheet bhi chahiye yogi. And when we do Startup Superstars, you would have come, some children would not let parents stop, like go through till the time they had given them an entire pitch of what they were selling. There were some phenomenal stories that we saw or heard during Startup Superstars. Next year, we will improve this format further and make sure that more and more learning takes place. And when you come for those PTMs in which your children are exhibiting things, please wo saman sirf unse isliye mat khareed lijiye kyunki wo aapke bachche hain. Ask them, why should you buy this? Why should you trade your money for something that they have done? That is when their communication skills and the skills to negotiate and the skills to convince you would actually start to come in. There are two, three lovely stories that happened that I want to very, very briefly share with you. So grade 3 ka jo classroom tha, wo book rental business kar raha tha. Aap mein se kisi ne unka book rental liya? There was, I think that 200 rupees price they had, and they were doing a book rental business. So now a grade 4 child saw कि अच्छा बुक भी वापस आ जाती है और पैसे भी मिल जाते हैं. तो उसकी अपना जो स्टोरी बुक्स थी उसने अपने बैग में कैरी करनी स्टार्ट कर दी अपनी क्लास को बुक रेंटल करने के लिए. फॉर पीपल हु आर एमबीएज और आर इन मार्केटिंग दिस इज कॉल्ड मी टू बिजनेस मॉडल. इसका चल रहा है, मेरा भी चलेगा. अ फोर्थ ग्रेडर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड इंप्लीमेंटिंग इट. उस बेचारे का लक रन आउट व्हेन द पेरेंट्स कॉल्ड अस एंड सेड आपके स्कूल का बैग बड़ा भारी है. बैग खोल के देखा कि बैग कैसे भारी है, तो उसमें 15 बुक्स थी जो वो रेंटल के लिए लाया था. बिकॉज ही हैड नो प्लेस टू कीप द बुक्स राइट, सो ही हैड टू कैरी देम एवरी डे इन हिज बैग. देयर वाज अनदर स्टोरी वेयर ये बच्चे जो थे वो कुम्हार से पॉट्स खरीद के उनको पेंट कर और बेच रहे थे. बड़ी अच्छी मार्केटिंग करी, पोस्टर लगाए स्कूल में, ये हमारा एमआरपी है, इतने पर ये मिलेगा, उतने पर वो मिलेगा. पॉट खरीदने का काम उन्होंने लास्ट वीक पर छोड़ दिया. बारिश हो गई, पॉट की कॉस्ट डबल हो गई. अब उनका जो एमआरपी था वो उनके कॉस्ट प्राइस से कम था. सो दे हैड टू मेक अ सेल, दे मेड अ लॉट ऑफ सेल्स एंड दे मेड अ लॉट ऑफ लॉस. एंड व्हेन दे शेयर्ड दैट स्टोरी, देयर इज नो अदर वे नोन टू अस एटलीस्ट टू टीच देम भैया प्लान अहेड. Now, we could not have taught these things through books. There is another beautiful memory that our teacher shared. कि जब वो business हो गया और सब कुछ finish हो गया, तो class में discussion हो रहा है कि पैसा आ गया है, इसका करना क्या है. So the teacher is suggesting कि इसमें से कुछ charity कर लो, तुम लोग बहुत बारे बच्चे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ available नहीं है. तो बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं, वो तो हमने केरला relief floods के लिए तो अभी सामान दिया था, तो मतलब वो तो हो गया है, ये तो हमारा पैसा है.
we realized that they had more value for this money than your money. Your money was, acha yahan se liya wahan de diya. This was possibly the first time that they had created money. Now, not all of this would go through to a grade 1 or a grade 2 child. But we want to give this exposure at this level. And as these children grow, they understand the nuances in which the world works. There was a parent who came to me, a fourth grader. He said, Ji, main bachche ko leke gaya tha, wo Kinder Joy. Kinder Joy, aapke bachche khate hain? Bahut sugar hoti hai, maine apne ghar mein band kar diya hai. So, Kinder Joy egg lene hum market gaye. So, maine mere bachche ko 50 rupaye ka note diya. Aur jaise hi mental maths test karne ke liye maine usse pucha kitne rupaye bachenge. So, ne mere ko bataya, tere wo bachenge aur wo chala gaya. Kinder Joy lekar aaya. गाड़ी में बैठा मुझसे बोला